इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं डिजी लॉकर के अंदर किसी भी सेक्शन को खोलते हैं तो ज़्यादातर सेक्शन में हमें इसी तरीके से दिखाई देता है। जी हाँ, पर दिखाई दे रहा होगा यूअर सेल्फ वेरीफाई यूअर सेल्फ एक्सेसिंग इशूड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ये क्या रहता है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, प्रॉब्लम है क्या है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन OTP प्रोवाइड कराने की सेटिंग्स होती है। जैसे ही हम इसको नीचे करते हैं, हल्का सा नीचे, किसी किसी के फ़ोन में दिखाई नहीं देता, तो हल्का सा ऊपर करना है इसे यहाँ से, और नीचे देखेंगे ना तो वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। अब ये यहाँ पर है क्या, देखिए ये जो है यहाँ पर हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू करना है जो एक्चुअली में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है डिजी लॉकर की तरफ से, वो अगर वेरीफाई करवाना है तो यहाँ पर हमें वेरीफाई क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर डालकर OTP आएगा उसको वेरीफाई कराना है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर होगा, जो आधार पर रजिस्टर्ड होगा। तो उससे जब आप इसको सेटअप करेंगे तो तब जाकर ये जो है इशू करने लग जाएगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बने रहते हैं। तो जैसे कि लाइक ड्राइविंग लाइसेंस भी, गाड़ी रजिस्टर्ड होती है तो वो भी, और इंश्योरेंस भी, एंड बहुत सारे जो है मान के चलिए मार्कशीट एंड सभी चीज़ आपके आधार कार्ड से लिंकेड होती हैं, तो फिर डायरेक्टली वो निकल जाती हैं। तो ये रहता है वेरीफाई यूअर सेल्फ। तो अगर इसको प्रॉपर चलाना है तो वेरीफाई तो करना पड़ेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।